मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के म्योरपुर थाना के देवरी ग्राम पंचायत में एक अजीबोगरीब नज़ारा दिखाई पड़ा। कुछ मजदूर महिलाओं द्वारा जानबूझकर देर से मनरेगा मजदूरी दिलाने का आरोप तो लगाया गया, साथ ही साथ एक रोजगार सेवक को चप्पलों से जमकर पीट डाला। महिलाएं रोजगार सेवक को खींचकर सड़क पर ले आई, वहां उन्होंने सेवक की जमकर पिटाई की। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को इस मामले में उकसाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित पंचायत मित्र ने देर शाम म्योरपुर थाने में चार महिलाओं और एक पुरुष मजदूर के खिलाफ मारपीट और मस्ट्रोल फाड़ने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई। घटना के बाद रोजगार सेवकों में आक्रोश व्याप्त है। खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे का क्या कहना था कि घटना की जानकारी उन्हें मिली है, मौके पर सचिव को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का यह कदम कानून के खिलाफ है, कोई समस्या है तो हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। मारपीट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हालांकि ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार अग्रहरी ने बताया कि महिलाओं को उकसाया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। महिलाओं ने मस्ट्रोल भी फाड़ दिया। SI काशी सिंह कुशवाहा ने बताया कि रोजगार सेवक द्वारा उन्हें शिकायत मिल गई है, मामले की अब जांच की जा रही है। आपका नाम क्या है? रवि कुमार, ग्राम रोजगार सेवक देवरी। मामला क्या है? मामला जो है, ऑफिस में हम काम कर रहे थे, विजय कुमार गुप्ता जो है आया, कागज मेरा जो है अभिलेख जितना था सरकारी अभिलेख, मोस्ट्रोल वगैरह फारा। अच्छा, अकेले आया था कि कुछ लोग साथ में आया? चार पांच महिलाओं के साथ आया था, और जो है खींचते हुए महिलाओं से चौराहे पर ले जाके जो है चप्पल से मरवाया भी, हमारा भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।